कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने से पहले छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने कमलनाथ की मुश्किलें खड़ी कर दी है। दरअसल नकुल नाथ ने लिस्ट आने से पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया, जिसे लेकर सीएम शिवराज ने जुबानी हमला बोला। देखिए खास रिपोर्ट। नकुल नाथ ने बढ़ाई कमलनाथ की मुश्किलें। नकुल नाथ ने लीक कर दी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से नकुल ने की प्रत्याशियों की घोषणा। सीएम शिवराज बोले, नकुलनाथ, कमलनाथ और सोनिया की कांग्रेस अलग अलग। एमपी चुनाव में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन दूसरी सूची नकुलनाथ ने लीक कर दी। दरअसल दूसरी लिस्ट आने से पहले ही नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। नकुलनाथ ने अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह और पानठुन्ना से विधायक नीलेश उइके के कांग्रेस प्रत्याशी के नाम के रूप में घोषणा कर दी। कीमती वोट कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। आप किसी विधायक को अपना कीमती वोट नहीं दे रहे, आप अपना कीमती वोट सीधा मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस का विधानसभा प्रत्याशी मेरे छोटे भाई दोबारा नीलेश विके रहेंगे और आप भले ही नीलेश को वोट दीजिए, लेकिन याद रखिएगा अंत में ये वोट कमलनाथ जी को जाना है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि दिल खोलकर कंजूसी मत करिएगा, दिल खोलकर कांग्रेस का बटन दबाइएगा और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा। आपको बता दें कि कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि छिंदवाड़ा की सभी सीटों की घोषणा पहले सांसद नकुलनाथ करेंगे, इसके बाद ही दिल्ली से नाम घोषित किए जाएंगे, जिसे लेकर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस कितनी है मुझे ये भी समझ नहीं आता, कांग्रेस के टिकट कहाँ तय हो रहे हैं, कमलनाथ नकुलनाथ की कांग्रेस अलग है। कांग्रेस के टिकट कहाँ तय हो रहे, अभी ये भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुलनाथ घोषित करेंगे और नकुलनाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे और दो टिकट उन्होंने घोषित भी कर दिए। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुलनाथ की कांग्रेस अलग है? कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है और कांग्रेस क्या है, यह अब जनता जानना चाहती है। कुल मिलाकर नकुलनाथ ने सूची आने से पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, बीजेपी को हमलावर होने का एक बड़ा मुद्दा दे दिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट एमपी न्यूज छिंदवाड़ा।